बहुत बड़ी आबादी है। तो मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और ये जो 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं ये वन टाइम असिस्टेंस है, एक दफ़ा दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसके रिस्पांस में ये दी जा रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोरोना वायरस के बायस जो लॉकडाउन्स हैं, बहुत से जो लोग हैं उनकी बिजनेसेस अफेक्ट हुई हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं खसूसन उनकी दिहाड़ियां नहीं लग रही और बहुत से लोग माशी मुश्किलात में आए हैं, और इसी चीज़ों के पेश नज़र ये एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो है उसकी तश्कील दी गई है और उस पर बहुत तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा फिल वक्त 13 मिलियन फैमिलीज़ के लिए है ये है, और क्योंकि हमने प्रोग्राम बज़रिया SMS चलाया हुआ है, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगी और वो लोग हकदार कराए पाएंगे तो फिर इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। पहले मैं बात करूँगी कि ये जो हकदारों की निशानदेही किस तरह से हो रही है और फिर मैं बात करूँगी कि पेमेंट किस तरह से होगी। हकदारों की जो निशानदेही है वो हमने उसके लिए तीन कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारी वो एहसास किफालत की ख़वातीन हैं जिनको अभी हम 2000 रुपए दे रहे हैं, उनको हर महीने अगले 4 माह के लिए इजाफी 1000 दिया जाएगा और उनको यकमुश्त 12000 दिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो एहसास किफालत की जो सबसे निचले वाले लोग हैं, उनसे एक ऊपर की कैटेगरी है जो भी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और अगर वो हमें SMS करेंगे और उनके जांच पड़ताल हो जाएगी तो हमारा तखमीना है कि 40 लाख लोग इस कैटेगरी में आएंगे। तीसरी कैटेगरी हमारी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट से मुतल्लिक है। ये कैटेगरी हमें क्यों बनानी पड़ी? वो इसलिए बनानी पड़ी कि जो हमारा नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस है, एक 2010 का है, जो 2020 का है वो अभी पूरी तरह बना नहीं, तो बहुत से लोग उससे बाहर हैं और उन बाहर के लोगों को भी हम उनको भूल नहीं सकते, और इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये इख्तियार दिया है कि वो भी लिस्ट कंपाइल करके हमें भेज सकते हैं। ये याद रहे कि जो भी लिस्ट हो उस पर वेल्थ प्रोफाइलिंग का डेटा जो है वो लाजमी लगेगा, यानी कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपके पास गाड़ी है, आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो और बहुत से और पैरामीटर्स हैं, ज़्यादा आपके बिल आते हैं तो आप उस लिस्ट से खारिज होंगे। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसे होगी? 4 सूबे हैं, AJK, GB है, ICT है, उसमें आबादी के मुताबिक कोटा रखा गया है। NFC के मुताबिक हम इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि NFC में AJK और GB शामिल नहीं है। तो 2017 का जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे ये कोटा रखा है, और ये 4.5 मिलियन, 4 मिलियन और 3.5 मिलियन, ये 12 मिलियन की जो बास्केट है ये फेडरल गवर्नमेंट इसको पे करेगा। अगर सूबे अपने और भी लोग शामिल कराना चाहें तो वो उनकी मर्ज़ी है। ऑलरेडी पंजाब से बात हो गई है, पंजाब 7 लाख लोगों के पैसे अपनी बजट से देगा, सिंध जो है वो 2.5 लाख लोगों के पैसे अपने बजट से देगा, और KP ने भी इसी तरह एक्स्ट्रा लोग जो हैं मुख्तस किए हैं, और दीगर फेडरेटिंग यूनिट से भी बात हो रही है। एहसास इमरजेंसी कैश की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे ये शुरू होता है, वो एक SMS कैंपेन है 8171 पे। पिछले 72 घंटे से लोग हमें अपने ID कार्ड नंबर्स 8171 पे SMS कर रहे हैं, और जब वो SMS करते हैं तो उनको एक प्रिलिमिनरी मैसेज जाता है, इब्तदाई तौर पे एक मैसेज जाता है कि आप इनएलिजिबल हैं। कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को एलिजिबिलिटी का भी मैसेज जाता है कि जी हाँ आप हकदार हैं, पेमेंट का इंतज़ार करें, और काफ़ी लोगों को मैसेज जा रहा है कि अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रابطہ करें। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैसेजेस किस तरह जा रहे हैं और इनके आगे क्या होगा।
एक 7 स्टेप प्रोसेस है। 7 डेटाबेसेस को जब आप CNIC भेजेंगे तो 7 डेटाबेसेस को वो हिट करेगा। पहले सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वैलिड CNIC है या नहीं। अगर गलत CNIC होगा, आपने ये एक हिंसा छोड़ दिया, तो वो आपको कहेगा बस माजरत, भेजा गया CNIC XYZ दुरुस्त नहीं है। फिर वो देखेंगे आपकी एक और सैनिटी पैरामीटर्स देखेंगे, और उसके बेसिस पे एक और SMS जाएगा कि बसद माजरत, भेजा गया CNIC, आप इस स्कीम के अहल नहीं हैं। चौथे लेवल पे ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स की डेटाबेस को हिट करेगा। अब ये याद रहे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो डेटा फिल वक्त हमारे पास मौजूद है वो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, रेलवे, पाकिस्तान पोस्ट और BISP का है। ऑटोनमस एजेंसीज की पेरोल्स अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 48 आवर्स में जब हम वेल्थ प्रोफाइलिंग टेस्ट करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कब टेस्ट करेंगे, तब तक हमारे पास ये ऑटोनमस एजेंसीज के भी पेरोल मौजूद होंगे। तो अगर इस वक्त कोई किसी PIA के अहलकार, कोई FBAR का अहलकार, कोई सुई गैस का अहलकार हमें SMS करता है, तो वो यहाँ पकड़ा नहीं जाएगा, उसको ये नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। इस अगर CNIC इन 3 मरहलों से गुजरता है तो वो आगे हमारे नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस को हिट करेगा। नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में 2 लेवल्स हैं, पावर्टी लाइन के नीचे 2 लेवल्स हैं। एक वो लेवल है नीचे वाली, जिसको हम ऑलरेडी कफालत के ज़रिए हेल्प करते हैं, जो पहले BISP की लिस्ट होती थी, जिसमें से हमने 8 लाख लोग एग्जिट करके उनको कफालत में शामिल किया है। अगर वो, क्योंकि हमारे कफालत वाले लोग भी कह रहे हैं हमें एमरजेंसी कैश चाहिए, और उनको भी हम 4 महीने की यकमुश्त पेमेंट करेंगे, तो अगर डेटाबेस में वो यहाँ आएगा तो उनको, अगर औरत हमें टेक्स्ट करेगी तो उसको बताया जाएगा कि आप CNIC नंबर XYZ एहसास एमरजेंसी कैश की हकदार हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। अगर उस औरत का शौहर हमें टेक्स SMS करेगा तो उसको जवाब जाएगा आप CNIC नंबर XYZ की जौजा हकदार हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। और अगर उनके कोई अनमैरिड बच्चे हमें टेक्स्ट करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा कि आपकी वालदा हकदार हैं, पेमेंट का इंतज़ार करें। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर एक फैमिली में एक ही असिस्टेंस जाए, अगर हम ये अनमैरिड और मैरिड का चेक ना रखें, तो एक फैमिली में 4, 5, 6 जितने भी होंगे सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं। अगर कोई इस कैटेगरी में नहीं है तो उनका नाम इसमें अगर शामिल है, अगर आप देख लेना कि 1 से 100 है, अगर हम 1 से 0 से 16 को हेल्प कर रहे हैं। अब हमने कहा है कि अगर कोई हमें SMS करेगा जो 16 से 26 में भी हो तो हम उसको भी एमरजेंसी कैश देंगे। तो ये वो बास्केट है जो 16.7 से 26 तक की है। इसमें अब हम एक चेंज लेके आए हैं, औरत के बजाय एमरजेंसी कैश के लिए आदमी को ऑथराइज किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो माशी तौर पे जिनको सबसे ज़्यादा जिन पे असर हुआ है वो हमारे दहाड़ीदार तबका है। अब आदमी लाहौर में काम कर रहा है, कराची में काम कर रहा है, बीवी उसकी मोहम्मद एजेंसी में है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि जी आप बीवी को कहें जाके लें। तो हमने इसके लिए चेंज किया कि अगर आदमी टेक्स्ट करेगा, SMS करेगा, तो उसको मैसेज जाएगा कि आप शिनाख्ती कार्ड नंबर XYZ हकदार हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। उसकी बीवी करेगी तो उसको बताया जाएगा कि आपके शौहर हकदार हैं। अब ये शौहर पे है कि अगर वो पैसे बीवी को भेजना चाहे तो उसको बेशक ब्रांचलेस बैंकिंग चैनल से भेज दे। और अगर इस कैटेगरी की तरह, अगर इस कैटेगरी में भी उनके अनमैरिड बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनको भी नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपके वालिद की नोटिफिकेशन हो गई है। अब इसमें कुछ मसाइल
बहुत छोटी परसेंटेज में आएंगे. एक लड़की ने मुझे रेडियो प्रोग्राम मैं लाइव करती हूँ उसमें कॉल करके कहा कि मुझे नोटिफिकेशन आई है आपके वालिद हकदार हैं मगर मेरे वालिद की तो डेथ हो गई है. अब लोग नादरा में अपने कवाइफ अपडेट नहीं कराते, डेथ्स रिपोर्ट नहीं करते, बर्थ्स रिपोर्ट नहीं करते, मैरिजेस रिपोर्ट नहीं करते, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा इस मैसेजेस में. तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि चीज़ों की सेंसेशन मत बनाया करें, क्योंकि डेटा की कुछ बहुत स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, और हम आपको ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं कि ये सिस्टम किस तरह कंस्ट्रक्टेड है. अब जो लोग इस तमाम सिस्टम से गुजर जाएंगे उनको नोटिफिकेशन ये आएगी कि आप अपनी ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें. और बहुत से वेल टू डू लोग भी जो हैं जो FBR में काम करते हैं उनको भी यही नोटिफिकेशन आएगी कि आप ज़िला FBR में हैं, बहुत बाकी इदारों में हैं, आपके दोस्त हैं जिनके बैंक अकाउंट्स भी होंगे, गाड़ियां भी होंगी, उनको भी यही नोटिफिकेशन होगी क्योंकि ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं ना वो लोअर पावर्टी ब्रैकेट्स में हैं. तो आजकल जो ये सेंसेशनलिज्म है कि जी मेरे तो दोस्त की 4 गाड़ियां हैं और उसको भी ये नोटिफिकेशन आ गई है, ये मैं आपको बताती हूँ कि आपका 4 गाड़ियों और बैंक अकाउंट वाला दोस्त आगे कहाँ से एग्जिट होगा. नेक्स्ट, अब जब ये जो ज़िले को जो जा रही है ज़िले वाली जो कैटेगरी है और एक कैटेगरी है वेब पोर्टल वाली, क्योंकि सब हमें SMS नहीं भेज रहे, कुछ लोग वेब पोर्टल पे जाके डाल रहे हैं, अपना स्टेटस देख रहे हैं और उनको भी नोटिफिकेशन आती है कि आप ज़िले वाली कैटेगरी में, मगर उनके लिए फॉर्म खुल जाता है कि वो वहीं अपने आप को रजिस्टर करें. ये तमाम लिस्ट हम कंसोलिडेट करके प्रोविंसेस को भेजेंगे, प्रोविंसेस इसमें अपनी लिस्ट ऐड करेंगे. अब ये लिस्ट हमारे SMS सिस्टम से गुजरी नहीं भी, ये सारी जो कंसोलिडेटेड लिस्ट होती है वो हर ज़िले का DC अपने यूनिक लॉगिन पासवर्ड से अपलोड करेगा या करेगी हमारे पोर्टल पे कि जी ये हमारी कंसोलिडेट लिस्ट है. हम उस लिस्ट से क्या करेंगे वो अगला एक 8-step प्रोसेस है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो ज़िले की लिस्टें हैं वो मेरी SMS की मिल से नहीं गुजरी हुई, तो मैंने तमाम प्रोसेस रिपीट करना है दोबारा से. CNIC ठीक है या नहीं, दोबारा से सैनिटी चेक और रिग्रेट, दोबारा से गवर्नमेंट स्टेटस अपना स्पाउस का और वो एग्ज़िट, दोबारा से हमारी एक कैटेगरी जो लोएस्ट पावर्टी लाइन, दोबारा से दूसरी पावर्टी लाइन और उसी तरह मेल फीमेल अनमैरिड चिल्ड्रन. आखिर में ये डब्बा बहुत इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लिस्ट का जो 8 नंबर है ये वेल्थ प्रोफाइलिंग है. वेल्थ प्रोफाइलिंग हमने इसलिए आखिर में रखी है क्योंकि इस वक्त भी हम डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं. स्टेट बैंक को हमने लिखा है कि जिनकी हमें ये इंटरेस्ट नहीं है कि किसके पैसे कितने हैं बैंक में, वो प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत प्रोटेक्टेड है. हमें इंटरेस्ट ये है कि किसके बैंक अकाउंट 50,000 रुपए से ज़्यादा हैं, और जिसका बैंक अकाउंट 50,000 रुपए से ज़्यादा है उसको एग्ज़िट होना है इससे. वो डेटा हमारे पास अभी नहीं है, उम्मीद है कि मिल जाएगा अगले 48 घंटे में. FBR से मांगा हुआ है कि सिर्फ बता दें कि फाइलर्स कौन हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से गवर्नमेंट के ज़ैली इदारे हैं जिनकी फंक्शनरीज़ की हमारे पास डिटेल नहीं है. अगले 48 घंटे में ये वेल्थ प्रोफाइलिंग का डेटा जब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो फिर हम अपनी फाइनल SMS की ID कार्ड्स की लिस्ट इसमें से रन करेंगे. आई बेग यू पार्डन, खाली SMS की नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स की और अपनी. और उस दिन आपके तमाम दोस्त जिनके पास गाड़ी और बैंक अकाउंट्स हैं उनको मैसेज मिलेगा कि आप इसकी हकदार नहीं हैं. और काफ़ी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से हम कह सकते हैं कि जो फाइनल हकदारों को मैसेज जाएगा कि जी आप हकदार हैं, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त होगा. और ये हमारी फाइनल पेमेंट की लिस्ट होगी कि जी पेमेंट नोटिफिकेशन का वेट करें. आगे हम क्या करेंगे,
वो मैं आपको बताती हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको सिर्फ वेल्थ प्रोफाइलिंग का बता दूँ कि अभी हमारे पास जो वेल्थ प्रोफाइलिंग की डेटा है वो ट्रैवलिंग का है, सेल्फ और स्पाउस, इसमें हम बच्चों को नहीं रखते कि अगर कोई बूढ़े माँ बाप हैं और उनके बच्चे अच्छे हाल में और उनको पूछ नहीं रहे तो हम उनको उस मिक्स में नहीं लाते। ट्रैवलिंग, गाड़ी, एवरेज मंथली बिल PTCL का 1000 रुपये, एवरेज मंथली मोबाइल बिल, पासपोर्ट की एप्लीकेशन विया एग्जीक्यूटिव सेंटर्स। मुझे बार बार ये सवाल आ रहा है कि पासपोर्ट होने पे लोगों को एग्जिट तो नहीं आप कर रहे? अगर आप किसी गरीब आदमी के पास पासपोर्ट है तो वो एग्जिट नहीं हो रहा, अगर उसने किसी एग्जीक्यूटिव सेंटर से बनाया है तो वो एक प्रॉक्सी है कि उसकी ज़्यादा मीन्स हैं। थ्री और मोर फैमिली मेम्बर्स अप्लाइड CNIC विद एग्जीक्यूटिव फी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, अभी तक जो हमने बात की वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज की बात की है कि एहसास एमरजेंसी कैश के जो हकदार हैं उनकी निशानदेही कैसे हो रही है। अब मैं बात करना चाहूँगी कि पेमेंट्स कैसे होंगी। अब पेमेंट्स जो हैं आप बहुत सुन रहे होंगे कि जी फलां रिटेल ऑपरेटर है और फलां रिटेल ऑपरेटर है, मगर आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब हकूमत बिलियंस ऑफ रुपीज़ एक प्रोग्राम में पेमेंट करती है तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना होता है। हमने 2019 में एक शफाफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से हमने दो कमर्शियल बैंक्स को के साथ पार्टनरशिप की है, और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने लगाया है उसकी कंसल्टेशन स्टेट बैंक के साथ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के साथ, ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट के साथ हुई थी, कंपटीशन कमीशन से हुई थी, कि किस तरह से ऑडिट ट्रेल भी रहे और शफाफियत से ये कैश निकले। उसके नतीजे में हमारे पास इस वक्त दो कमर्शियल बैंक्स हैं, हबीब बैंक और बैंक अल्फला, और उनकी जो ब्रांचेस हैं और उनके जो पार्टनर रिटेलर हैं, ये जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ से लोग जाके अंगूठा लगा के पैसे होते हैं, पेमेंट उनके ज़रिए होगी। अभी सुबह भी मैं और मेरे दो सेक्रेटरीज हम बैंक प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे थे, टेलकोस के बैंक प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे थे, अभी मैंने 12 बजे ख़त्म की है, कि हम नेटवर्क कैसे बढ़ाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा टच पॉइंट्स हों, हर गली में टच पॉइंट्स हों। तो होगा ये कि जिस दिन हम लिस्ट फाइनल करेंगे, बैंकों को ऑथराइजेशन पुश होगी कि आप इन, ये लोग अगर आपकी ब्रांच पे आएँ तो आप अंगूठे की वेरिफिकेशन के बाद उनको पैसे दे दें। बैंक्स की इंटीग्रेशन नादरा के साथ है, तो जो एक साल में हमने सिस्टम बनाया है वो हमारी इंटीग्रेशन बैंक्स और नादरा के साथ है, और उसके बगैर ये इतने स्केल पे होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो सूबे हैं वो ये काम खुद नहीं कर रहे, सूबे जो हैं पंजाब, KP, सिंध, ये तमाम जो सूबे हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये हमारे थ्रू अपने एक्स्ट्रा लोगों को भी हेल्प करेंगे, और अगर उनको ज़्यादा पैसे देने हों तो वो भी इसी के थ्रू भिजवाएंगे। जैसे सिंध और पंजाब कह रही है कि हम एक्स्ट्रा लोगों के पैसे देंगे, KP कह रहा है कि एक्स्ट्रा लोग नहीं, जो आपके आइडेंटिफाइड लोग हैं उनको हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो जैसे कि मैंने बताया, औरत एक तरफ बैंकों को और नादरा को लिस्ट पुश हुई, दूसरी तरफ लोगों को, दिहाड़ीदारों को, कि उनके फ़ोन्स पे SMS आए कि जी आप जाके पेमेंट कलेक्ट करें। अब आपका ये सवाल होगा कि अगर दिहाड़ीदार के पास फ़ोन नहीं है तो क्या हुआ? तो हमें फील्ड से ये फीडबैक आ रही है कि जिनके पास फ़ोन नहीं है उनके लिए लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने 100 बंदा रजिस्टर किया है तो जब नोटिफिकेशन भी आपको आएगी, फिर आपकी जिम्मेवारी है कि आपने एक एक बंदे की CNIC को बताना है, भाई तुम जाओ अपना ID कार्ड लेके, तुम रिग्रेट हो गए हो। सो देन द ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों पे है जिन्होंने उनके बिहाफ में मैसेजिंग की है। नेक्स्ट, तो ये सिंपल प्रोसेस होगा, वो दुकान पे जाएंगे, अपना अंगूठा लगाएंगे और वहाँ से अपनी कैश जो है वो रिसीव कर लेंगे।
और इनके आगे ये ये रिटेलर्स हैं और हम इन रिटेलर्स की जो साइज है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर गली में लोगों को ये मिले। नेक्स्ट, आखिर में मैं थोड़े चैलेंजेस और डिपेंडेंसीज बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जैसे कि मैंने पहले कहा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी समाजी तहफ़्फ़ुज़ की डिसबर्समेंट है, सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो दहाइयों पे मुहित हिस्ट्री है, और ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, ऐसे तनाजुर में हो रही है जहाँ लाखों दिहाड़ीदारों की मजदूरी पिछले कई हफ्तों से नहीं है, लोग शदीद मुश्किलात में हैं, और आपको पता होगा कि अगर कोई गाड़ी में राशन लेके जाता है तो उसके ऊपर लिटरली हमला हो जाता है। हमें मालूम है हम कितना सेंसिटिव काम करना जा रहे हैं, और फिर ऐसे तनाजुर में जहाँ दो लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, एक गज के फासले पे खड़ा होना होता है, तो हमने ये काम इंतहाई एहतियात से करना है। हमारी डिपेंडेंसीज हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमने कहा है कि आप पब्लिक बिल्डिंग्स खोलें ताकि हम कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वहाँ लगाएं, खाली दुकानों पे हमारी रिलायंस ना हो, वहाँ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करें ताकि लोगों की क्यूज मैनेज हों, ताकि वहाँ पे जो बैंक कैश मूव करेगा उसकी सिक्योरिटी हो। लॉकडाउन्स हैं, हमने रिक्वेस्ट किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि वो नरमी करें ताकि ये रिटेलर जो हैं, छोटी दुकानें जो हैं, वो खुली रहें। जो डिस्ट्रिक्ट से लिस्टें बन रही हैं, हम उनको बार बार बता रहे हैं कि डिज़र्विंग नॉन डिज़र्विंग का ख्याल रखें, मगर हमारे पास जो लिस्ट आएगी जिस प्रोविंस से आएगी हम उस पर वेल्थ प्रोफाइलिंग चेक करेंगे।